भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो लगातार सफलता का परचम लहरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत के बारे में दुनिया जानती है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता हो या पाइपलाइन में मौजूद अन्य प्रोजेक्ट्स, मिशन आदित्य L1 की परियोजना निदेशक निगार शाजी हो या इसरो की अन्य महिला वैज्ञानिक, इसरो की सुपरवुमन के बारे में भी हर कोई जान चुका है। अब हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी की एक महिला वैज्ञानिक ने विश्व स्तर पर नाम कमाया है। नाम है VR ललिता अंबिका, जिन्हें फ्रांस की सरकार की ओर से बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन डिनोर से उन्हें सम्मानित किया गया है। बता दें कि ये पुरस्कार फ्रांस सरकार की ओर से भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथों ने उन्हें दिया है। अब सब VR ललिता अंबिका के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है जो उन्हें ये अवार्ड मिला है। कौन है VR ललिता अंबिका? दरअसल ललिता अंबिका भारत द्वारा इंसान को स्पेस में भेजने वाले महत्वाकांक्षी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की लीड साइंटिस्ट हैं। जानकारी के अनुसार साल 2022 तक वे गगनयान मिशन का नेतृत्व कर रही थीं। वे तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। के सिवान के बाद वे स्पेस सेंटर की डायरेक्टर भी बनी थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्हें कोई अवार्ड मिला हो। इससे पहले लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में योगदान देने के लिए उन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्यों मिला अवार्ड? आप जान चुके हैं कि उन्हें फ्रांसीसी सरकार की ओर से बहुत बड़ा सम्मान मिला है। बता दें कि इस सम्मान को लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, जो कि साल 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शुरू किया गया था। एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन इंडिया द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक ललिता अंबिका एडवांस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने इसरो के कई रॉकेट्स पर काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रहा, जिसे इसरो बेहद भरोसेमंद मानता है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार साल 2018 में बतौर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम डायरेक्टर ललिता अंबिका ने फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNES के साथ भारत के गगनयान प्रोजेक्ट पर काम किया था। साल 2021 में हुए समझौते के तहत ये कहा गया था कि फ्रेंच स्पेस एजेंसी भारत के फ्लाइट फिजिशियंस और CAP-COM मिशन कंट्रोल टीम्स को CADMOS सेंटर पर ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशन और स्पेस ऑपरेशन से जुड़ी थी। ललिता अंबिका की बात करें तो उनका जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से ही इसरो की तरफ उनका झुकाव था। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र उनके घर के काफी नजदीक था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।